नमस्कार, प्रणाम और राम राम। सबसे पहले तो दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। ये दिवाली एक ऐसा त्योहार जिसकी प्रिपरेशन भारत के घरों में 10 से 15 दिन पहले ही होने लगती है। 15 दिन पहले से ही दीवारों में लगा हुआ मकड़ी का जाला और भगवान की फोटो पर लगा हुआ पुराना माला दोनों ही निकाल दिया जाता है। दिवाली एक वो त्योहार जिसमें घर में बैठे बेरोजगार बच्चे भी इसलिए काम करने लगते हैं ताकि उन्हें अपनी मम्मी से नौकरी के लिए गाली और ताने ना सुनने पड़े। एक ऐसा त्योहार जिसमें घर की सफाई करना भी बड़ा भारी काम बनकर सामने पहाड़ जैसा खड़ा हो जाता है। कितना भी सफाई अभियान चला लूं मगर साला कुछ रह ही जाता है। लेकिन कुछ भी हो, दिवाली की बात ही अलग है। लेकिन दोस्तों, भारत में त्योहार खुशी लाने के साथ ही ज्ञान बांटने वाले लोगों के लिए एक मौका भी साथ में लाता है। एक तरफ हम अपने त्योहार मना रहे होते हैं तो वहीं हमें खुश देखकर कुछ लोग अपना मुंह भी बना रहे होते हैं। कुछ लोग तो दिवाली में हवा और होली में पानी बचाने का ज्ञान सोशल मीडिया में दे देकर अपनी उंगलियां ही सुझा लेते हैं। प्रो लेवल के ज्ञानी व्यक्ति तो ये भी कहते हैं कि दिवाली मनानी है तो दिल से मनाओ, पटाखों से नहीं। इस लॉजिक के हिसाब से आप अपने बर्थडे में केक क्यों काटते हो भाई? हाँ, दिल से कुछ काट लो मतलब दिल से मना लो। वैलेंटाइंस डे के दिन करोड़ों गुलाब के बागान क्यों उजाड़ देते हो भाई? दिल से मना लो मतलब दिल से मना लो वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता है। मतलब आप त्योहार मना रहे हो यार, महबूबा थोड़ी। लेकिन जब ज्ञान पेला ही जा रहा है तो जरा सा ज्ञान हम भी पेल देना चाहते हैं भैया। आपको हम बता दें कि हर साल स्पेन के टोमेटिना फेस्टिवल में 40 मीट्रिक टन टमाटर बर्बाद हो जाते हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि हेलोवीन में 18,000 टन पम्पकिन बर्बाद हो जाते हैं। अतरंगी कपड़ों की वजह से 2,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि क्रिसमस में लगभग 1,00,000 टन प्लास्टिक पैकेजिंग रिसाइकल ही नहीं होती और उस दौरान काटे गए हजारों पेड़ 2 से 3 बिलियन किलो कार्बन फुटप्रिंट को जनरेट कर देते हैं। लेकिन उनको कोई भी ज्ञानी व्यक्ति यह ज्ञान देने नहीं आता है कि भैया अपना त्योहार दिल से मना लो, क्योंकि आप ज्ञान दोगे तो भी वो लेंगे नहीं। यार, उनका त्योहार है, उन्हें अपने जिस हिसाब से मनाना होगा वो मनाएंगे। और बात सही भी है, ऊपर से न्यू ईयर में पूरी दुनिया में फूटते पड़ाकों की फोटो को शेयर कर करके आप भी मजे लेते हैं, तब नहीं कहते दिल से मना लो। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि दुनिया अगर वेस्ट कर रही है तो हम भी कुछ वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर एक तरफा सवालिया निशान लगाएंगे तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना। इसलिए समझदार व्यक्ति कहता है, त्योहार नहीं पहले व्यवहार बदलो, खुद भी जिम्मेदार बनो। खैर, इस तरह तो दिवाली की खुशियों को हम मुद्दों में बदल देंगे। अंत में जाते हुए मैं बस आप सबको यही कहना चाहता हूँ, दिवाली का त्योहार है, अच्छे से मनाएं, परिवार के साथ रहें। हैप्पी दिवाली एंड बाय बाय।